अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप सुख और अपने पाप कर्मों के फलस्वरूप दुख प्राणी को इसी जन्म में या अपने अगले जन्म में भोगना ही पड़ता है, वो टल नहीं सकता। इसलिए अकर्मण्य हुए बिना निरंतर अपने धर्म के अनुसार कर्म करते जाओ और मन में यह पक्का विश्वास रखो कि जिस नियत के साथ तुम कर्म करोगे उसी नियत के अनुसार तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। कर्म का यह अटल विधान है, इसमें कभी किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता।